आए दुआ आ रही से लिख गई ठीक। अब इधर देखो हराम जाके कुत्ते लौंडे खड़े रहा दे नहीं कोई बंदर बंदर का काट रहा जो छोड़ा दिए अरे कोई बंदर बंदर का काट रहा है उसका दौड़ा दे भगाओ उसका छोड़ाओ। तो आप ये सब देख रहे हैं यहाँ पर वहाँ आधा सामान सामान चुके बहुत हो गया और देने में आने में देर हो जाती है खूब भोजन करके नहा के धो के हम अगली बार तो आ गए अब जिंदगी में हम देर में नहीं आएंगे साहब मुसीबत है बंदर खाते यानी काम वही है मुसीबत बहुत आ जाती है साले लड़के गाय भैंस बकरी फकरी सब सब इनको भगा देते हैं वहाँ हम लोग डाल के चले आए अब वहाँ के लड़के उनको भगा दें जब आवे एकदम सुबह चौके आवे एकदम 4 बजे निकले वहाँ 9 बजे 8 बजे रायली बापा बड़े आराम वो हम कहते हैं रात में 3 बजे निकल पाओ अब तो हाईवे पर चलना है तो सुबह बिल्कुल ब्रह्मवेला में सारे बंदरों को जितना माल है वापस ना जाता ये बताइए माल कहाँ खपा में है सारा माल रखा है और लौंडे 10-20 लौंडे खड़े हैं उधर दिखाइए सर सब इंडिया मार्केट पास मौजूद है इंतजार में है कि हम सभी सामान डालें कि बस तुरंत ये ढेले मार मार के इनको भगा देंगे इसलिए हम इनको हाँ इधर लगे इसलिए हम बिखरा बिखरा फैला फैला के देख रहे हैं यहाँ करीब से दिखाइए ये सब लखनऊ में बेटी के घर हमने कहा तमाम गमले रखे हैं ले जाए वहाँ कुछ वहाँ भी तो ऑक्सीजन मिले जितने लखनऊ में कहीं भी कॉलोनी बने हो आप लोगों को चाहिए गमले में ज़रूर कुछ पौधा लगाइए देखने में है और फिर ये आपको आपको ऑक्सीजन देते हैं नहीं ना ऑक्सीजन का मतलब नहीं है सुबह उठने से मतलब नहीं है प्राकृतिक भोजन से मतलब नहीं है तो खड़े हैं डॉक्टर के यहाँ से यह ऑपरेशन वो ऑपरेशन ये जांच वो जांच जितनी हराम की घूस की कमाई होती है ना ये सब डॉक्टर ही खा जाते हैं सब खा जाते हैं हटा 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 हट 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 बहुत सामान है इतना सामान भरा है कि क्या बताऊं और यही अगर सुबह के टाइम आ जाए ब्रह्म बेला में या देखो इधर देखो कैसे आज ले भैया खा लो देखो भैया छोटे से हैं भैया तो भी ले लेते हैं जब लोग छलकाते हो बहुत अब सब गाड़ी में छीट जाएगा हमको रैगनी बटोरना पड़ेगा सब पसीने से गर 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 नहा रहे हैं 9 हमारे ख्याल से क्या टाइम हुआ होगा 9 या 10 अरे अंदाज से बताओ दस तब 9 बजे 10 बजे भंवरेश्वर नहीं आना चाहिए लेकिन जितने लोग भंवरेश्वर आने वाले हैं उनके दिमाग में है उनका उल्लू सीधा हो जाए उस टाइम से आराम से सोएं फिर देर से उठें फिर भोजन करें बंदर जाएं चले भाव में ये फॉर्मेलिटी है ये बंदर भोट थोड़े हो रहा है ये फॉर्मेलिटीज है हम बंदर भोट कहाँ कर रहे हैं ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी है करें तो क्या करें कुछ ऐसे रिश्ते आ जाते हैं कि कुछ कहते नहीं बनता लेकिन हम कान पकड़ लिए कि भैया जिसको आना है सुबह आओ 3 बजे रात में वहाँ से चल दो एकदम सुबह ब्रह्म बेला में 2 मिनट में सारे बंदर भूखे होते हैं रात भर के और वो खा लेते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी क्या है उधर भी फेंक दें उधर दिखा दीजिए अब थोड़ा हम उतर के दूर दूर डाल दें है ना चलो भाई कुछ नहीं यहाँ अरे
बस बस इतना दियो खा दियो राजो राजो बैठे राजो खा दियो गाड़ी में न जा पावे सामान वामान रखा है ना उसका जो है खोल तुम गाड़ी के पास से बना रखा हफनी हफनी आ जाती है पसीना गल 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 बह रहा है जय हनुमान ज्ञान गोल सागर ने थप्पड़ मारे घसीट करके ये जय हनुमान ज्ञान गोल सागर पत्थर के हनुमान को लड्डू दिखाया खुदे तेल के बैठ गए किसने बताया है किस बेकूफ ने बताया है ये सेवा करो काम करो माता पिता भूख से मर जाते हैं दवा के अभाव में रहने दो हाँ भगा दो दवा के अभाव में और जहाँ बाप मरे टेंट लगाएंगे दरवाजे टेंट अपने सोच को बदलो वरना कुत्ते की तरह मरोगे सोच बदलो 81 साल का हूँ कहानी हमारे कोई बीमारी आ रही है बिना खाए इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है 44 साल हो गए भोजन छोड़े हुए कहानी जांच करवाते हो क्यों आप छोटे हो जाएंगे हमारे सामने आप बौने हो जाएंगे बिना भोजन के 44 साल से खून पसीना ये तो कुछ नहीं है तो हमारे लिए मामूली सी बात केवल यही लोगों से भैया सुबह आओ सुबह आओ सुबह आओ तक रात भर के भूखे बंदर जितने ये सब हैं अभी अगर बड़ा आप सामान डाल दें यहाँ जो बेकूफ लखनऊ से आते हैं यही करते हैं वो ढेर ढेर लगा देते हैं और यही सारे बच्चे बंदरों को भगा के सब झोले में भर लेते हैं क्यों बेटा ऐसा होता है ना देखिए ये लड़का सच बोल रहा है देखिए देखिए वो भी हाँ बा सुअर खवा रहे ताकि बच्चा खा रहा है तो कमीनापन है पापा जी हाँ चलिए आ गए हम लोग आ गए अच्छा ठीक ये बताओ ये जामुन हमको दे दो हम तुमका कुछ पैसा दे दे तो दे दे बच्चे तुम और बिल्डिंग हो पर दे दे पूरन चढ़ी
ले 5 रुपया दे हमसे और करारा उ ले ले तो तोड़ी लियो ले ली ना यार दे पकड़ो 5 रुपया धरो अच्छा जाओ अरे करारो दे दे बे तुमका यहाँ भरा है जामुन लगा हाँ ठीक है साहब अब हम जो यहीं से हाथ जोड़ते हैं भावरेश्वर बाबा को इस पसीने में ही मैं भावरेश्वर को ढूंढ लेता हूँ इस पसीने में बंदरों की भूख में हनुमान को ढूंढो फलाने बाबा कौन बाबा आप क्या बताने हम कौन बाबा उन बाबाओं से पूछो क्या किया है आपने जीवन में कपोल कल्पित बातें हमको नहीं बर्दाश्त है वो देख लेते रहे तो हनुमान जी आ जाते रहे बकवास हनुमान जी अगर आए होते किसी की भूसा उठाने चाहे लड़ के चुप भूसा उठाने चलते हैं ये भूसा उठाना योगी मोदी ने बंद करवाया है पूरे हिंदुस्तान को चाहिए उनके चरणों की धूल को यहाँ लगाओ तब वही धर्म है आपको जो काम करे जो सेना में वहाँ गोली खाते हैं सीमा पर उनका बंधन करो आप उनका बंधन करते हैं नेताजी चुनाव लड़ गए नोट दे गए चला यार आवाज नहीं सुनाई पड़ता है वही कोई चिल्ला रही तो उसको छुड़ा दो खैर ठीक है अब वो लोग आ चुकी हैं मैं अब रवाना हो रहा हूँ लखनऊ के लिए ताकि बेटी के सामान वान वहीं उतर जाएगा फिर रायबरेली मैं जाऊँगा यही मैं समझाता हूँ कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है और मानवता से बड़ा अगर कोई मंत्र है दुनिया वालों आप किसी धर्म के मजहब के हमसे बात करो 70 साल हो गई यही करते करते और तुमने 70 घंटे नहीं किया होगा लिखी लिखाई बातों के आप पढ़ के सुनाते हैं और लोग भगवान 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 ने किया भगवान ने किया आपने क्या किया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय बीजेपी।